आज हमारा प्लान ये देखिए फाटक आ गया हमें जा रहे हैं और हम जा रहे हैं सिटी में एक्सप्लोर कर रहे हैं सिटी में वो भी कहाँ हमारी टिकट बढ़िया बहुत है जो कि ग्वालियर रोड पर स्थित है तो वहाँ आज हम जा रहे हैं और आपको बढ़िया नहीं जा रहे हैं चूँकि मौसम अच्छा है बरसात भी काफ़ी हम आ गए शायद अच्छा गहरा होगा इसे डैम भी और शायद फाटक खुले हों गेट खुले हों उसके पार जाएंगे भले अभी हम तो आगे बढ़ गए हैं ये क्रॉसिंग पे इस पार आ गए हैं और इन बस डैम का ही रास्ता है कच्चा रास्ता है थोड़ा सा क्रॉसिंग बाद ये देखिए ये पाऊ ये देखिए नदी है जो बबीना से आते हुए नदी आती है बहुत बड़ी नदी है ये डैम बना हुआ है डैम के नाम से ये देखिए आपके साथ आगे दिख रहा है ये टावर है ये जिससे निगरानी की जाती है डैम की आस पास और ये जो टावर के बाद टावर निकल गया है और ये हमारा है कट ये जो झोपड़ी बनी है आपको आगे देखनी है ये जो झोपड़ी आने वाली है कितने शानदार नज़ारा है और ये शानदार नज़ारे ऐसे ही जा ही रहे थे वीडियो बनी रही है और ये देखिए ये आई है झोपड़ी और चौकीदार की पऊ डैम के जो है एंट्रेंस है ये पऊ डैम का बांध के लिए आने एंट्रेंस गेट है एंट्रेंस गेट पार करके ये हमारा रास्ता चालू हुआ था पऊ डैम का ये देखिए सामने आपको दिखेगा नील कलर का देखिए नदी आ रही बड़ी पऊ डैम सामने दिख रहा होगा आपको देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है सामने डैम दिख रहा है आपको वही पऊ डैम है नया बना हुआ है पुराना यही था तो नए डैम को हम देखने जा रहे हैं बढ़िया मौसम अच्छा है और फाटक भी शायद गेट खुले होंगे उम्मीद है ये खुले होंगे तो आपको बढ़िया सामने नजर दिखाएंगे पानी तेज बहता हुआ बढ़िया अच्छा लगेगा आपको देखने पानी की वजह से हरियाली भी काफ़ी है तो यहाँ पर पालतू पशु भी घूमते रहते हैं जिससे उनका खाना खाना वगैरह मिल जाता है यहाँ पर हरी घास मिल जाती है खाने का पानी काफ़ी यहाँ पर और घास में यहाँ पर नगर में मिल जाती है खाने के लिए और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक भी अपनी गाय भैंस को यहाँ पर छोड़ देते हैं और एक पेट्रोल पंप के पीछे से पड़ता है वो रास्ता क्रॉसिंग पर वो भी दौड़ने क्रॉसिंग पड़ती है ये देखिए ये आ गया आपका पऊ डैम अपना झांसी का ये झांसी डी ग्वाली रोड से 1 किलोमीटर अंदर स्थित है तो जैसे अगर कोई घूमना चाहता है कि जो ग्वाली रोड पर झांसी ग्वाली रोड है तो वहाँ से आकर कोई भी हाईवे से हाईवे के बगल से ही रास्ता गया है तो कोई भी आकर घूम सकता है पऊ डैम ये देखिए देखने आपको दिखाते हैं कि गेट चल रहा है अभी अभी तो शायद नहीं दिखा अब आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद तो बाद दूसरा गेट शायद चल रहा है उस तरफ जाके देखते हैं फिलहाल तो देखिए आपको इसमें पानी दिख रहा होगा पानी बहता होगा नहीं गेट खुले हैं देखिए पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा है तो बढ़िया गेट खुले हैं चलो हमारा आना सफल हुआ वहाँ पर गेट खुले हुए हैं और अच्छा है शायद गेट खुले हैं तो आपको भी बढ़िया नज़ारे दिखाएंगे सब तो देखिए क्या पानी बहुत तेज़ी से बहता हुआ दिख दीजिएगा आपको कोई देर में वीडियो बने रही देखिए ये देखिए आप कितनी बरसात का मौसम नहीं देखिए ये देखिए कितनी तेज पानी बह रहा देखिए कैसे ही अभी तो एक गेट खुला है जब पूरे गेट खुलते हैं तो काफ़ी पानी दिखता है अभी देखिए आगे जाकर जो गेट के उस पार है वो उस तरफ पानी बहता हुआ दिखता है जो भी काफ़ी नीचे है तो हम इधर खड़े हैं ये देखिए भाई और ये काफ़ी दूर तक फैल हुई है पऊ नदी ये देखिए उस तरफ लेके चलते हैं आपको उस तरफ दिखाते हैं ये देखिए कितना पानी आ रहा है अभी तो एक गेट खुला हुआ है सारों को मतलब सातों गेट खोलते हैं नीचे से आपको दिखाते हैं कि बढ़िया ऐसा देखिए आप पानी गेट से पानी निकलता है क्या था हम नीचे जा रहे हैं नीचे गेट में से बाहर जा रहे हैं रास्ते नीचे जाएंगे जहाँ पानी जहाँ तक पानी है क्योंकि काफ़ी मछुआरे भी ग्रामीण आसपास के आ जाते हैं मछली पकड़ने के लिए वो भी काफ़ी सारे आपको नदी पर बना हुआ है ये देखिए जो पानी बह रहा है
बरसात के मौसम में अलग अलग ही नज़ारा होता है। ये देखिए अभी तो एक गेट खुला हुआ है तो भी काफ़ी पानी है यहाँ पर। चलिए नीचे चलते हैं आपका और आपको दिखाते हैं बढ़िया नज़ारे। ये हमारा झांसी का पहुल डैम, वापस घर। तो ये देखिए हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं, हम वो अब जो दूसरा रास्ता आपको वो दिखा रहे हैं जो पेट्रोल पंप के हाईवे से ही है, पेट्रोल पंप के बगल से पीछे वाला रास्ता। देखिए पीछे वाला रास्ता, यहाँ बहुत बड़ी एक चट्टान है जो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर रखी हुई है। आगे आपको देखिए ये देखिए ये रखी है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट वीडियो में बाय। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। बांध के आ रहे हैं।